ये हैं योगेश महाजन, एक मजदूर से बिजनेसमैन बने। योगेश की कहानी किसी परी कथा जैसी लगती है। वह कभी पाई पाई के लिए मोहताज होते थे, अब खुद 15 से 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के रहने वाले योगेश की जिंदगी में ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। उसके पीछे संघर्ष और हार न मानने की जिद है, साथ ही सरकार की योजनाओं की मदद से सपनों को पूरा करने का जज्बा भी शामिल है, जिसके चलते बुरहानपुर के नयामतपुरा क्षेत्र में होटल में मजदूरी करने वाला एक मजदूर अब मारुति केला चिप्स का मालिक बन गया है। 13 साल की उम्र में होटल में नौकरी करने के बाद 2009 में उन्होंने अपने घर की छत पर एक छोटे से कमरे में केले का चिप्स बनाने का व्यवसाय शुरू किया था। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनकी एक दर्जन वैरायटी में बनने वाली केला चिप्स की डिमांड है। 1992 में सर्विस करता था गीता स्वीट्स के अंदर, और गीता स्वीट्स के अंदर सर्विस करने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं छोटा मोटा जो है काम करूं, क्योंकि शादी होने के बाद खर्चे बढ़े, खर्चे बढ़ने के बाद फिर सोचा कि भाई आमदनी बढ़ाना पड़ेगी। तो छोटा सा उद्योग मैंने ये केला चिप्स का घर के ऊपर छत के ऊपर करा। मशीनरी लगाने के बाद मेरा प्रोडक्शन बढ़ते गया, और प्रोडक्शन करते करते ऑर्डर अच्छे मिलने लगे, जो अपने कने व्यापारी जुड़ते गए। 50 से 60 व्यापारी दिल्ली से अपने जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जो ऑर्डर आते हैं, तो उस इससे ये फायदा हुआ शासन की योजना से कि मशीनरी का लाई, और उससे मेरा प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। उन्होंने शहर की दुकानों पर पहुंचकर केला चिप्स बेची, जिससे उन्हें 5000 रुपए माह की आमदनी होने लगी। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट 2014 में आया, जब उन्हें केंद्र और खासतौर पर शिवराज सरकार की योजनाओं के बारे में पता चला। फिर जरूरी शर्तों को पूरा करने पर खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से PMFM योजना के अंतर्गत उन्हें 14 लाख रुपए का लोन मिला था, जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से 3,89,000 की अनुदान राशि भी प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने गुजरात से 3 फ्लायर मशीनें खरीदी और अपना उद्योग शुरू किया। उस समय बाद शासन की योजना का पता चला, मोदी सरकार और शिवराज जी की योजना जो 2014 के बाद आई, तो उसके अंदर योजना के अंदर अपने मशीनरी लगाई। ये शासन की योजना से 11 लाख रुपए लिया था, उसमें अनुदान राशि 3,89,000 रुपए मिली। 10 से 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं अपने। योगेश का मानना है कि राज्य सरकार की योजनाओं और सरकारी अधिकारियों की आगे बढ़कर मदद करने के बगैर यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था। उन्हें सरकार से न केवल समय समय पर मदद मिली, बल्कि अनुदान राशि से उनकी जिंदगी को और आसान बना दिया। यह बदलाव केवल उनकी जिंदगी में नहीं आया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 15 से ज्यादा महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। हम खेत में जाते थे भैया, बहुत दूर जाना पड़ता था घर के पास से, पर अभी हमारे घर के पास में कारखाना खुल गया था, हमारे को रोजगार मिल गया है। ये योगेश भाई का मारुति केला चिप्स, मारुति केला चिप्स। हम 9-10 महिला है, 5-6 घंटे करते भैया। कितने पैसे मिल जाते? 150-200 रुपए तक मिल जाते हैं हमारे। सरकारें योजनाएं बनाती हैं और जमीनी स्तर पर उसमें बदलाव भी आता है। यदि सही तरीके से इन योजनाओं के लाभ लिए जाएं तो योगेश जैसी कई सफलताओं की कहानी निकल सकती है, जो मध्य प्रदेश के लिए रोल मॉडल साबित होंगी।